जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे घर पे हम सब तेरे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, SSC GD की जो भर्तियां रुकी हुई है, यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, एडिशनल कैंडिडेट का डिले कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़पेपर की आर्टिकल अभी पब्लिश हो रहा है, तो उसका आर्टिकल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, कब भर्ती प्रक्रियाएँ पूरी कराई जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर प्रोवाइड है। तो देख लेते हैं क्या आर्टिकल के अंदर आप लोग की इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, जो आप भी आप इस समय न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल देख रहे हैं, अभी कोई भी मैं आप लोग को नोटिस प्रोवाइड कराता हूं, तो इसके रिगार्डिंग आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप लोग को डायरेक्ट पोस्ट मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग। और कोई भी आप लोग को अगर डाउट होता है SSC GD की भर्ती के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए क्या इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। SSC की निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियाँ 3 के बाद, यानी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से लॉकडाउन के दौरान निरस्त परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा 3 मई के बाद की जाएंगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए विशेष बैठक में परीक्षा की नई तिथि के बारे में चर्चा की गई। बैठक में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस अवधि में होने वाली सभी परीक्षाओं की तिथियों को रद्द करने का फैसला किया गया है। नई तिथि की घोषणा 3 मई के बाद पूरी की जाएंगी। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह कहा गया कि परीक्षाओं जिसके लिए परीक्षार्थियों को देश अलग अलग भागों में यात्रा करनी पड़ती है, तिथियों के समय समय पर समीक्षा की जाएगी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी जेई की परीक्षा जो पेपर वन था, और स्टेनोग्राफर C और D की परीक्षाएँ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की द्वितीय चरण 2018 के लिए स्किल परीक्षा। तो लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि 3 मई को पूरी होने के बाद ही सभी परीक्षाओं को कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये सब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो लॉकडाउन के दौरान निरस्त कर दी गई थी परीक्षाएं, और 3 के बाद कराई जाएंगी सभी परीक्षाएं। तो इतना तय है कि 3 मई को जब लॉकडाउन समाप्त होगा, तो कोई सारा कैलेंडर आ जाएगा SSC की वेबसाइट पर कि आप लोगों की परीक्षाएँ कौन कौन सी डेट को होंगे। एक शेड्यूल कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो जो न्यू कैलेंडर जारी किया जाएगा, इसके अंदर रिजल्ट का भी कॉलम होता है, तो उसमें हम आप लोग बता पाएंगे कि SSC GD का फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट से पहले तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन और डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन में कितना समय लगने वाला है। तो 3 मई तक का इंतजार कीजिए। जब भी SSC का कैलेंडर जारी होगा, तो आप लोगों को सबसे पहले SSC एग्जाम वॉरियर चैनल पर अपडेट मिल जाएंगी। सारी तिथियों के बारे में आप लोगों को एनालिसिस करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लीजिएगा।